सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल GPADVICE और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का मारियो आपके यूट्यूब चैनल GPADVICE में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है गाइज। कल रात को जो CBSE क्लास 9th और 11th के लिए मीटिंग हो रही थी HRD मिनिस्टर की सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में, उस पर गाइज फाइनल डिसीजन दे दिया है गवर्नमेंट ने। क्या आया है गाइज फाइनल डिसीजन, वो तो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपके काम की चीज़ बताना चाहूँगा। तो गाइज अनअकैडमी आप सभी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए और कर्नाटका CET 2021 के स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आई है। ये मॉक टेस्ट सीरीज फुल मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये सीरीज गाइज आपकी बोर्ड एग्जाम की और कर्नाटका CET एग्जाम की प्रॉपरली तैयारी करवाएगी। और गाइज ये मॉक टेस्ट सीरीज डेली होगी। डेली मतलब गाइज एक दिन टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद में उस पूरी टेस्ट को जो टॉप एजुकेटर है उसको डिस्कस करेगा पूरी टेस्ट सीरीज को। फिर अगले दिन मॉक टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद में अगले दिन फिर पूरे जो है पूरा जो टेस्ट सीरीज हुआ था मॉक टेस्ट सीरीज उसके ऊपर पूरा एक टॉप एजुकेटर लाइव डिस्कशन करेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी और आपके जो डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। गाइज ये मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ऐप के अंदर होगी, तो गाइज अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। और गाइज ये कब मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इस डेट पे ही मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। 2 जनवरी से गाइज स्टार्ट हो रही है। तो गाइज अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके अभी जाके एनरोल कर लेना। गाइज एनरोल करना एकदम फ्री है। किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइज आपके सामने एनरोल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। कई बार गाइज एनरोल करते हुए आपसे कोड वगैरह मांगा जाता है, तो गाइज कुछ भी नहीं करना, आपको वहाँ पर GPADVICE कोड लगा देना है, आप फ्री में एनरोल कर पाओगे। तो गाइज काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है आप सभी स्टूडेंट के लिए, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, कर्नाटका CET एग्जाम के स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आई। तो गाइज अभी जाके एक बार डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एक बार जरूर ट्राई करना। तो गाइज आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। गाइज देखो, गवर्नमेंट ने डिसीजन अभी तक कुछ फाइनल तो लिया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम फाइनल डिसीजन पे लगभग आ गए हैं। जो सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि सभी स्कूल्स के अंदर एक ही तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, या तो ऑनलाइन हो सारी जगह या फिर सभी जगह पर ऑफलाइन हो। मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेगी कि या तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। क्योंकि अगर आधे स्टेट्स के अंदर ऑनलाइन करवाए और आधे स्टेट के अंदर ऑफलाइन करे तो बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि क्लास 11th है, क्लास 9th है, हर जगह पर है और हर जगह पर आधे बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, आधे बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को देखा जाए, और HRD मिनिस्टर ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने इस बात को काफ़ी सपोर्ट किया। सभी का कहना है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही तरीके से एग्जाम होगा, या तो सभी जगह पर ऑनलाइन होगा या फिर सभी जगह पर ऑफलाइन होगा। लेकिन ये जो फाइनल फैसला है वो 2 जनवरी को डिसीजन आएगा, वापस इनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में फाइनल फैसला देगी ये। इसलिए गाइज इन्होंने मीटिंग को शिफ्ट किया, क्योंकि गाइज इनका कहना है कि पहले डेट शीट आ जाए बोर्ड एग्जाम की, CBSE क्लास 10th और 12th की डेट शीट आ जाए, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट डिसीजन लेगी। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम लगभग मई तक पोस्टपोन होते हैं, तो वो ट्राई करेगी कि मई से पहले क्लास 9th और 11th के एग्जाम कंप्लीट करवा दे और बच्चों का न्यू एकेडमिक ईयर भी स्टार्ट कर दे। गाइज देखो, उनकी जो कल मीटिंग हुई थी वो कहीं लाइव तो हो नहीं रही थी, बस उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे को DD न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल वहाँ से मिली। तो उसी DD न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा चांसेस जिस तरीके से एंकर बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा था कि गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, लेकिन कुछ स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसमें सबसे ऊपर है पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर, वो एकदम अगेंस्ट है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के। कई स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर समझ रहे हैं और वो फेवर में ऑनलाइन के, और कई स्टेट के ऑफलाइन के फेवर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो इन सभी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक मीटिंग और करनी पड़ेगी, वो मीटिंग होने वाली है अब 2 जनवरी को। जो कल की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला आया था गाइज, आपको अगर ये न्यूज़ चेक करनी है तो आप DD न्यूज़ चैनल पे जाके न्यूज़ चेक कर सकते हो। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना, पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दी है। तो गाइज काफ़ी अच्छी न्यूज़ मेरे को लगी आज मॉर्निंग में, तो गाइज मोटिवेट रहना पूरे दिन। अगर कोई दूसरा अपडेट आएगा तो मैं जरूर वीडियो बना के बता दूँगा। तो इस वीडियो में इतनी, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।